हे गाइस, दिस इज श्रेयस। स्वागत है आपका मेरे चैनल रसोई मसाला में। तो दोस्तों, आज ना हम लोग जीरा बिस्किट्स बनाने वाले हैं, मगर ये वीडियो दोस्तों थोड़ी सी अलग है। इसमें मैं आपको ना जीरा बिस्किट्स अवन के साथ साथ गैस पर कैसे बनाते हैं दोस्तों, वो हम लोग देखेंगे। और हम लोग फिर आखिरी में कंपेयर करेंगे कि हम लोग जो गैस पर बिस्किट्स बना रहे हैं वो, और जो हम लोग अवन में बेक करने वाले हैं, दोनों में डिफरेंस क्या आता है। तो दोस्तों ये वीडियो देखते रहे, क्योंकि इसमें ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग कढ़ाई में बिस्किट्स को कैसे बेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग ये जीरा बिस्किट्स ना कैसे बनाने वाले हैं। मगर उसके पहले दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और दोस्तों ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट तुरंत मिल सके। तो चलिए अब बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 75 ग्राम्स बटर लिया है, जो रूम टेम्परेचर पर है। अब हमें सबसे पहले इसको ना अच्छे से फेंट लेना है, यानी कि इसे हम क्रीम कर लेंगे। तो ये देखिए, इस टाइप से हमें ना बटर को अच्छे से फेंट लेना है। तो बटर जब ऐसी स्मूथ बन जाए ना, तो इसमें हम लोग पाउडर्ड शुगर ऐड करेंगे, यानी कि पिसी हुई चीनी, जो मैंने 40 ग्राम ली है। तो एक चीज़ याद रखिए कि जब भी हम कुकीज़ बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, तो हमें बटर और चीनी को बहुत ही अच्छे से फेंटना है। यानी कि कम से कम ये ना 10 मिनट तक भी लग जाता है अगर हम हाथ से फेंट रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से क्रीम करना है। अब जैसे कि अगर आपका बोल बार बार हिल रहा हो ना, तो आप एक चीज़ करें कि नीचे कपड़ा रख लें, जैसे मैंने यहाँ रखा है, फिर बड़े आसानी से ना ये हम क्रीम आराम से कर पाएंगे। तो बढ़िया से अपने हाथ की एक्सरसाइज करें दोस्तों, क्योंकि इसमें ना बहुत टाइम लगने वाला है। बहुत ही अच्छे से फेंट लीजिए, क्योंकि बिस्किट तभी अच्छी बनेगी जब हमारा बटर और चीनी क्रीम हो जाएगी अच्छे से। ये देखिए, मैं आपको टेक्सचर दिखाता हूँ, कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। इस टाइप से हमें क्रीमी टेक्सचर चाहिए है। जब ये टेक्सचर आ जाए, उसके बाद हम लोग इसमें मैदा ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं बस आधा मैदा ऐड करूँगा, और आधा मैदा ना हम लोग बाद में ऐड करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे ना हम थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, और इसको मैंने हल्का सा भून लिया है। फिर मैं इसमें डालूँगा 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। अगर आप सॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो आप नमक की क्वांटिटी कम रखें, और अनसॉल्टेड बटर है तो उस हिसाब से दोस्तों अपना नमक एडजस्ट कर लें। तो अब हम एक स्पैचुला की मदद से ना बटर और मैदा को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे हमें ना अच्छे से मिलाना है। जैसे ये थोड़ा सा मिल जाए, इसमें हम बचा हुआ मैदा भी ऐड कर देंगे, और फिर से इसे अच्छे से हमें मिला लेना है। जैसे ही ना अब ये थोड़ा सा मिल जाए, अब करना है हमें अपना हाथ इस्तेमाल। ये देखिए, अब हाथ से बढ़िया तरीके से इसे हम मिलाएंगे और रब करेंगे अपने हाथों से। तो ये देखिए, स्पैचुला हटा के अब लाइए अपना हाथ इसके अंदर और बनाइए मस्त बिस्किट्स। ये देखिए, हाथ से अब हमें मैदा और बटर को अच्छे से रब कर लेना, ताकि वो एक दूसरे में ना अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए। जैसा कि हम लोग मटरी में करते हैं, जो मोइन लाने के लिए हम लोग करते हैं, सेम उसी टाइप से इसे हमें रब करना है। अब डो कैसे फॉर्म करें, तो इसमें हम लोग ना 2 टेबलस्पून दूध डालेंगे। बस 2 टेबलस्पून दूध डालना है, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, बस 2 टेबलस्पून दूध डाला है। ज़्यादा डालेंगे तो गीला गीला होगा, बिस्किट अच्छी नहीं बनेगी। अब दोस्तों इसे हमें ना सानना नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखें कि इसे हमें सानना नहीं है, इसे हमें इकट्ठा करना है। ये देखिए, इसलिए मैं ना ये वीडियो काट नहीं रहा, मैं दिखा रहा हूँ पूरा का पूरा कि मैंने इसको इकट्ठा कैसे किया है। हल्का हल्का सब पकड़ के ना बस प्रेस करें, और इकट्ठा करना है हमें डो। जैसे हम आटे सानते वक्त ये मुक्का मार मार के जैसे सानते हैं ना, वैसे नहीं, बस हल्का सा हाथ लगाए और इकट्ठा कर लें। क्योंकि क्या, इसमें पहले से हमने इतना सारा बटर डाला है, और 2 चम्मच दूध डालने से ना ये पूरा जो था उसको मॉइस्चर चाहिए, वो आराम से इसमें आ जाएगा और ये इकट्ठा हो जाएगा। ये देखिए, कितना बढ़िया तरीके से ये अब एक साथ आने लगा है। इस टाइप से बस हल्का हल्का सा प्रेस करके ले आए एक साथ। दोस्तों बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई, इसमें हम लोग मैदा यूज़ कर रहे हैं, क्या हम आटे का बना सकते हैं? तो जी हाँ, आप ना इसमें आटा भी यूज़ कर सकते हैं, और आटे की बिस्किट्स बनाए सेम इसी तरीके से, बढ़िया सा आटे की बिस्किट बनके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, हमारा पूरा डो इकट्ठा हो गया है। इस टाइप से दिखना चाहिए हमारा डो। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन जो चीज़ कैसा दिखना चाहिए, इसको बीच से तोड़ के देखें। ये देखिए, बीच से तोड़ने के बाद ये क्रम्बली टेक्स्चर दिख रहा है ना, अगर आपका ये क्रम्बली टेक्स्चर दिख रहा है, तो मतलब आपका बिस्किट का डो तैयार है, और बिस्किट ना बहुत ही बढ़िया बनेगी फिर हमारी। तो ये देखिए, अब इसको हल्का सा बस प्रेस करूँगा मैं, और हमारा डो बनके तैयार।
चलिए अब इसको हम ना थोड़ी देर रेस्ट करने देंगे। तो चलिए अब ना हमारा डो तो तैयार है, अब हम बिस्किट्स के लिए डो को बेल लेते हैं। तो पहले हम उसे थोड़ा सा शेप देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर मेरे पास एक स्पैचुला है, अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप चाकू का इस्तेमाल कर लें या कोई भी एक ऐसी चीज़ जिससे हम ना ये डो को नीचे से निकाल सकें। ये देखिए जो प्लेटफॉर्म है ना, इससे हमें निकालने के लिए स्पैचुला चाहिए ही रहेगा, नहीं तो ये क्या प्लेटफॉर्म पे चिपक जाएगा और हमारा डो है वो अच्छे से नहीं बेलेगा। ये देखिए इस टाइप से हल्का हल्का बेले उसको, और जैसे ही वो लगे कि वो नीचे चिपक गया है स्पैचुला से उसे अलग कर ले ताकि वो अच्छे से बेल सके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने पूरे ही डो को अच्छे से बेल लिया है। आपसे पूरा नहीं बेल रहा तो आप थोड़ा थोड़ा सा ले, थोड़े थोड़े से पोर्शन में बेलें, छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाएं और उसमें से उतना उतना शेप काट लें। ये देखिए यहाँ पे मैंने तो एक बड़ा सा ही पूरा बेल लिया है। तो अब चलिए मैं ना आपको साइड से दिखाता हूँ कि हमारा जो बेला हमने ये डो कितना मोटा है। तो ये देखिए इतना मोटा हमें बिस्किट के लिए डो चाहिए। तो बस अब हमारा डो बिल्कुल तैयार है। चलिए अब इसके ना हम कुकीज़ के लिए काट लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास तीन शेप में कुकी कटर्स हैं, अब जिस शेप में चाहें उस शेप में कुकीज़ बनाएं। मैं यहाँ पे गोल शेप में बनाने वाला हूँ, तो हम लोग ना गोल शेप में कुकीज़ को काट लेंगे। तो अगर अब आपके पास कुकी कटर नहीं है तो क्या करें, तो किसी भी बोतल का जो ढक्कन होता है ना उसको इस्तेमाल करें और कुकीज़ को काट लें। तो ये देखिए इस टाइप से मैंने सारी अपनी कुकीज़ निकाल ली है। अब इसका जो साइड्स है हम उसको अलग से निकाल लेंगे, फिर से उसे इकट्ठा करके बेल के वापस हम अपनी कुकीज़ को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी मस्त जीरा बिस्किट्स ना बनके तैयार है। अब इसको हम अलग से निकाल लेते हैं। ये देखिए स्पैचुला की मदद से उसको निकाल लिए ताकि वो टूटे ना। अब मैं आपको ये देखिए पास से दिखा देता हूँ हमारी बिस्किट्स कैसी लग रही है। इसकी साइड्स भी देखिए आप दोस्तों, साइड्स भी अच्छे मोटे हैं और ऊपर से भी ना ये स्मूथ है। इस टाइप के हमें बिस्किट चाहिए बेक करने के लिए। हमारी बिस्किट्स तैयार है। अब ऊपर से ना हल्का सा कि जीरा बिस्किट से दिखे उसमें हल्का हल्का से जीरा डालेंगे। देखिए इस टाइप से सब पे जीरा डाल लेंगे और अपने हाथों से उसको प्रेस कर देंगे ताकि जीरा उस बिस्किट्स पे लग जाए अच्छे से। तो ये देखिए हमारी बिस्किट्स बेक करने के लिए तैयार है। इसी टाइप से मैंने बचे हुए डो की भी बिस्किट्स तैयार कर ली है। तो यहाँ पर हमने 150 ग्राम्स मैदा लिया था, तो उससे हमारी 25 बिस्किट्स निकली है दोस्तों। तो ये देखिए हमारी बिस्किट्स तैयार है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दोनों चीज़ों में बेक करके दिखाऊंगा, यानी कि गैस पर भी और अवन में भी। तो यहाँ पे गैस में बेक करने के लिए ना मैंने इडली स्टैंड लिया है और अवन में बेक करने के लिए हमने अवन ट्रे ली है। तो इडली स्टैंड में दोस्तों हम लोग बिस्किट्स को रख देंगे, जैसे ही रख रहा हूँ इसी टाइप से हम लोग सारी बिस्किट्स को इडली स्टैंड पर रख देंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जब हम इडली स्टैंड बंद कर रहे हैं ना तो जो ये आपको गैप दिख रहा है ना, ये गोल गोल जो छेद है इसमें, इसको हमें अल्टरनेटली रखना है। जिस टाइप से मैं दिखा रहा हूँ ऐसे अल्टरनेट हमें ना इस छेद को रखना है ताकि जो एयर वहाँ पे जो क्रिएट हो रही है वो उससे होते हुए ऊपर तक अच्छे से आ जाए। और अवन ट्रे में तो जैसे हम रखते ही हैं इसी टाइप से हम इसे रख लेंगे। आप चाहें तो उस पर नीचे बटर पेपर भी चिपका लें, उससे भी अच्छा रहेगा, अवन ट्रे ख़राब नहीं होती। तो चलिए अब ना सबसे पहले मैं यही दिखा देता हूँ कि हम लोग कढ़ाई में कुकीज़ को कैसे बेक करेंगे। यहाँ पे कढ़ाई मेरी ना प्री हीट हो रही है पहले से, यहाँ पे मैंने इसे लो फ्लेम पे रखा है और यहाँ पे प्री हीट होने से पहले ही ना उसमें मैंने नमक डाल दिया था नीचे और उसे बर्तन से ढक दिया था। मैं पहले भी दोस्तों एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हमने कढ़ाई में ना केक बनाया था, सेम उसी स्टेप को हमें फॉलो करना है। अब हम लोग इस पर स्टैंड रखेंगे जिससे हमारी जो कुकीज़ है वो जले ना, और फिर उस स्टैंड के ऊपर हम लोग इडली स्टैंड रख देंगे। अब दोस्तों बहुत लोग ना मेरे से पूछते हैं कि यार हमारे ना जो केक है जल गया, कुकीज़ जल गई, तो होता क्या है, हमने जो कढ़ाई ली ना, ये देखिए मेरी कितनी मोटी पर्थ की कढ़ाई है, ऐसी मोटी पर्थ पे बनाना पड़ेगा। अगर आपने पतले उसमें बनाया बर्तन में तो ना केक भी जल सकता है और कुकीज़ भी। अब उसे ढक के हमने बेक होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे अलग से मैंने ओवन को भी प्री हीट कर लिया था 160 डिग्रीज पे, जिसमें हम लोग अपनी कुकीज़ भी बेक होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे हमें 15 मिनट के लिए इसे बेक करना है, मगर आप ना 10 मिनट बाद उसको एक बार देख लें। फिर दोस्तों अगर आपको ऊपर से हल्का सा कलर चाहिए ना तो मैंने उसे रोस्ट मोड पे डाल दिया है 2 मिनट के लिए, ताकि ऊपर से भी ना कुकीज़ में कलर आ जाएगा बढ़िया, अंदर से बढ़िया तरीके से दोस्तों बेक हो गया है।
देखिए हमारी कुकीज बनके तैयार है। अब इसे एक ना वायर स्टैंड पे निकाल लें, कुकीज को थोड़ी देर ठंडा होने दे। ये देखिए हमारी कुकीज ना दोस्तों बढ़िया तरीके से बनके तैयार है। तो ये देखिए पीछे से भी दिखा रहा हूँ ऐसे भी दोस्तों, कुकीज ना हमारी अवन में तो बन। चलिए अब देख लेते हैं हमारे गैस वाले का क्या हाल है। तो ये देखिए गैस वाले को ना 5 से 7 मिनट ना दोस्तों ज़्यादा ही लगता है अवन के कंपैरिजन में बेक होने में। देखिए हमारे गैस वाले भी है ना अब बेक होके तैयार है। इसको भी खोल लेते हैं और हम इसे भी वायर रैक पे ना ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मगर उसके पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए हमारी गैस पर भी ना कुकीज़ बिल्कुल अवन जैसी बेक हुई है। कितने बढ़िया तरीके से पीछे से दिखा रहा हूँ दोस्तों, जली नहीं है, बढ़िया तरीके से बेक हुई है। बस आपको नमक अच्छे से फैलाने की और उसे ढकने की ज़रूरत है। तो चलिए अपना लास्ट में देख लेते हैं हमारा जो मेन मोटिव था कि अवन वाले में और गैस वाले में ना डिफरेंस क्या है। तो ये देखिए जो हल्का सा ज़्यादा पक गया ना ये हमने गैस पे बेक किया था और दूसरा वाला अवन में। तो दोस्तों बस वो गैस वाला हल्का सा ज़्यादा पक गया हमसे, मगर दोनों दोस्तों एक जैसे ही बेक हुए, बढ़िया तरीके से बेक हुए। तो अब ना आप ये रेसिपी ट्राई करें दोस्तों, अब जिसमें आप चाहे गैस पे या अवन पे, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ना ये रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी कोई नई रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।